तो चलिए भाई, इसके पहले आप लोगों ने ये समझ लिया था ना कि अच्छा रिलेटिव नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास तो हो गया था, समझ लिए थे। अरे यस बताओ, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या समझ में आया था? कृष्णा तो आए नहीं थे तुम पिछली क्लास में, तो क्या आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। यस सर। रिलेटिव एटॉमिक मास, और कौन कौन नहीं आए थे? तो कोई कमी लोग आए थे पिछली क्लास में? हर्ष आप आए थे क्या? नहीं आए थे ना? आए थे, अच्छा आया हर्ष। चलो, वंश साहू आप आए थे? वंश नहीं आया था। वंश नहीं आया था, अभी भी नहीं है, भाग गया। चलो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो था वो एक्चुअली क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास, इज द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। ये किसी भी एटॉमिक मास होगा, किसी एटम का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू कार्बन, कार्बन के कंपैरिजन में हम किसी का मास निकालते हैं। अब कार्बन के कंपैरिजन में हम किसी का मास जब निकालते हैं तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या था, क्या था? कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एटम ऑफ वन एलिमेंट। अरे बताओ ना कृष्णा, अरे क्या नाम है, लक्ष्य, फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास का हाँ एप्सिलॉन भूल गए ना, रिवाइज नहीं किया तो क्या होगा? मास ऑफ एन एटम अपॉन द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम ऑफ एन स्टैंडर्ड सब्सटेंस, है ये बताया। एब्सोल्यूट मास ऑफ एन एटम। यस सर, एब्सोल्यूट ऑफ हर्ष, एवरेज हर्ष आप सर, बताओ। बताओ, अपॉन वन मैं भी ट्वेल्व भूल गया। सर आपने लिखवाया था कि एब्सोल्यूट और एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। याद नहीं है, भूल जाते हो आप लोग, हैं? कैसे चलेगा भाई, भूलोगे तो ऐसे क्यों हर्ष, ऐसे भूलोगे भाई साहब तो काम कैसे चलेगा? तो रिवाइज कर देंगे एक बार। गड़बड़ बात है ना यार, ये तो ऐसे ही अपना कम अभी हुआ है, उसमें भी भूलोगे चीजों को, तो भूलना तो एक तो बड़ी गड़बड़ बात है। चलो ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास था एवरेज, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये तो पढ़ा ही दिया था मैंने, ये अच्छे से समझ में आएगा नहीं कृष्णा को और उसको, क्योंकि फिर से वो शुरू से पढ़ाना पड़ेगा, तो इसको ना करा के मैं जो बच्चा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ये वो तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कहाँ तक करा दिया था मैंने, सब हो गया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में? टाइप्स ऑफ रिएक्शन हाँ केमिकल केमिकल में वाले में डीकम्पोजिशन हुआ था, डीकम्पोजिशन का, और डिकम, डिस्प्लेसमेंट आप करा रहे थे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हम करा रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं गया था। आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा दी हाँ तो उसमें मैंने क्या बताया था? थी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा और कम हाँ रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेगा। बस है? हाँ, बस आपने डेफिनेशन ही लिखवाई थी, उसके बाकी सब कुछ समझा दिया था। ठीक है चलो, हम उसी को पहले करा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले को, मतलब रिएक्शन को, तो वो थोड़ा इजी है टू अंडरस्टैंड,
तो क्या है कि समझ में आ जाएगा और चीजें हम लोग खत्म भी कर देंगे उसको। यही होता है ना, कोई क्लास छोड़ देता है, कोई कम करता है, तो फिर सबको देख के बढ़ाना पड़ता है। चलो डिस्प्लेसमेंट में मैंने आप लोग सभी लोगों को, अच्छा कृष्णा जो भेजा है मैंने, वो सब चीज नोट किया है कि नहीं? तो ये बताओ नोट्स बनाए कि नहीं, जो जो भेजा गया है बोर्ड उसके नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो? सब बनाए हैं। तो हमने एक एक्टिविटी सीरीज लिखाई थी, एक एक्टिविटी सीरीज हमने कल उस दिन बताई थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट में एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर, मतलब मेटल कितना रिएक्टिव है उसके ऊपर उसकी सीरीज एक बनी थी। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज हमने जो लिखवाई थी वो चीज अगर आप देखोगे तो उसमें दो चीजें आएंगी। हमने केवल मेटल की लिखाई थी, हम उसमें नॉन मेटल भी अभी जोड़ देते हैं। तो हमने पहले लिखाई थी मेटल की और एक और आज लिखा देते हैं हम नॉन मेटल की भी। ठीक है, तो मेटल में हमने क्या कराया था, कुछ जो इम्पोर्टेंट वाले हैं बस उसी को हम बताते हैं बेटा जो एग्जाम में आएंगे आपके, बाकी हमने लिखा पूरा दिया था। इसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सर मैग्नीशियम। जो जी देखो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही केलू डाल रहे हैं हम इसमें, बाकी बीच बीच में और भी कई सारे थे, हमने पूरा 22 की 23 दिए थे, लेकिन हम उसमें से छांट के हम दिखा रहे हैं। इसको कम से कम याद तो रखो ही, भले पहले वाला जो रहे वो ना रहे, लेकिन ये वाला जो अभी दे रहे हैं ये तो जरूर याद रहना चाहिए। हमने उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिक कराए थे, हर्ष कराए थे? हाँ, कराए थे। तो उसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट टिक कराए थे उनको जरूर याद रखो, तो वही हम बता रहे हैं अभी। केवल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, 12 बताए थे। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, फिर एयू और पीटी, ये था। ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है भाई, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गए। समझ गए ना, ये इसके बाद है, ये इसके नीचे है। ठीक है कृष्णा, यस तो ये सीरीज याद रखना, ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है, मतलब रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज। मतलब ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सर हाँ सर, ये नॉन मेटल की जो आएगी वो मेटल के बाद ही मानी जाएगी नहीं कि नहीं ये नहीं सब अलग है, अलग अलग? है, अलग अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है वो। ये केवल मेटल था, वो सर नॉन तो मेटल था। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल भी होता है, नॉन मेटल दोनों जैसे काम करता है बेटा वो। हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, पता चलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है, दोनों काम करता है वो, इसलिए बड़ी समस्या है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि भाई साहब ये बताओ कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सोडियम सोडियम। बात समझ में आई? तो सोडियम क्या करता है भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव है, द मोर रिएक्टिव, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव, द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओफो, उसी के कंपाउंड में से उस मेटल को क्या कर देता है भाई, रफू चक्कर जैसे। देखो मैंने बोला कि जिंक रिएक्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का रिएक्शन हुआ किसके साथ भाई, कॉपर सल्फेट के साथ, क्या बनेगा जरा देखो, मेटल कौन है जिंक भाई सल्फेट। बताओ ना, मेटल क्या है? ये मेटल है एक, ये यस हमारा सर। मेटल और नंबर कॉपर। वन और ये हमारा मेटल नंबर टू, यही तो है बेटा। यस सर। तो ये मेटल वन देखो इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, और मेटल टू कॉपर देखो नीचे है, तो कौन करेगा, जिंक कॉपर को उसी के घर में से, मतलब उसी के कंपाउंड में से उसको हटा निकाल देगा। देगा, तो ये जाएगा इसकी जगह ले लेगा, इसको हटा देगा। चलो हटो,
चलो भाई निकलो, टाइम पास मत करो, चलो बनाओ जल्दी से। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यस आर यू गेटिंग? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर देगी। आप मान लो जहां पे बैठे हो, आपसे मजबूत आदमी आया कोई, और आप ऐसी जगह बैठे हो जो जगह कोई भी मतलब अच्छी जगह थी, इम्पोर्टेंट थी, वहां पे अगर बैठे हो आप, तो आपको आके मार के हटा दिया और आपको एक जगह पे बैठ गया वो। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे हो रहा है। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, अब नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल में हम बता देते हैं, देखो नॉन मेटल में सबसे ऊपर आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन एफ, फिर आएगा क्लोरीन, कुछ ही है, कुछ का हमको देखना है केवल, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, बी आर, फिर आयोडीन, आई। तो इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है, इनकी भी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, तो कितने हाँ रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आर यू गेटिंग? सबको समझ में आ गया? डिस्प्ले यस सर। देखेंगे करेंगे उसका, पहले मेन इंपॉर्टेंट ये मेटल वाला है। मेटल वाला समझ में आ गया? यस सर। मान लो मैं रिएक्शन कराता हूँ, एक जरा देखो, मैं एक रिएक्शन करा रहा हूँ, जरा देखिए। मैंने रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम Mg प्लस H2SO4, बताइए जरा भाई क्या बनना चाहिए मेरे को? कृष्णा एमजीएच कृष्णा मैग कृष्णा 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 कृष्णा, बताओ क्या बनना चाहिए बेटा, बताओ मेरे को। मेटल कौन कौन सा है? एक ये है मेटल वन, मैग्नीशियम, और यहाँ पे यस हाइड्रोजन है मेटल टू, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मेटल टू। अब देखो जरा इसमें मैग्नीशियम कहाँ है? Mg यहाँ पे, हाइड्रोजन नीचे है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? सर वो लूज करेगा, अरे लूज नहीं रे, क्या हाइड्रोजन समझते हो, हटाएगा यहाँ से इसको, लूज क्या करना है उसको, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को इसमें से निकालेगा, हटाएगा, इसी को तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? बन जाएगा MgSO4 प्लस को। H2, यस सर। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नहीं समझ में आ रहा, इतनी सिंपल सी बात, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बात समझ में आया वंश साहू? बताइए भाई, सर ठीक है? मैं तो पहले ही आ गया था सर। आ, बहुत बढ़िया बासिर, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आ गया कृष्णा की डाउट है अभी भी, बताइए जरा। नो सर, सर आ गया। एक और कर लेते हैं, KI का रिएक्शन हो रहा है Cl2 के साथ, कराओ जरा। KI का रिएक्शन हो रहा है Cl2 के साथ, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद Cl2, बताइए जरा क्या बनेगा? ओ मेरी महबूबा, KCl2 प्लस आई। जैसे मैं भी बोलने वाला था, क्या KCl2 प्लस आई, अच्छा अच्छा और कोई, बैलेंस। और कोई बताएगा मेरे को? गलत है ये, और कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा? जो सही करेगा वो भाई इनाम मिलेगा उसको, बताओ भाई। वंश साहू समझ गए थे ना? बताओ जल्दी बेटा, अरे एक मिनट पीछे करूंगे। हाँ लो, बिल्कुल करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, लो।
नहीं है यार तुम लोग तो बताओ भाई क्या करते हो आप लोग, ऐसे करोगे कैसे चलेगा लक्ष्य? वेरी गुड आदित्य, अब सही किया आदित्य ने, वेरी गुड। केवल आदित्य ने सही किया, बाकी सबने सब चौपट। सर हाँ KCL प्लस I2। हाँ तो क्यों अभी तक क्या कर रहे थे, क्यों गलत है KCl2, क्यों गलत है बताओ? KCl2 क्यों गलत है, कौन बताएगा? आदित्य बताइए जरा, ये क्यों नहीं बनेगा? सर वो मेटल नॉन मेटल है तो अलग होगा फिर, शायद नहीं बनेगा। हैं हमको तो लग रहा है कैसे देख के बता दिया तुम फिर। नो सर तो बताओ ना रीजन फिर, क्यों क्यों है ये गलत, क्यों है, क्या गलत है इसमें ये बताओ ना। मेरे हिसाब से तो यही बन गया, तुम्हारे हिसाब से यही बनना चाहिए था ना। यस सर गलत है तुम, इसका मतलब लक्ष्य देख के बता रहे हो ना फिर तो। मैंने बताया ही नहीं है। अभी किसने बताया फिर? मैंने तो बताया ही नहीं है सर, अभी यही बताई थी KCl2 प्लस आई। गलत है लेकिन KCl2 आई सही वही है, KCl बनेगा सही ये है। ये कैसे सर? हाँ बताओ ना सर। हाँ हाँ बताओ, यही बोलने वाले नहीं, ये सही ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है ये बता देगा को, मेरे को कोई समझाएगा क्या? पता नहीं सर, दिमाग लगाओ ना, पता नहीं बोलने से थोड़ी होगा, पढ़ा चुके हैं हम ऑलरेडी, हम पढ़ा चुके हैं इसके बारे में पूरा। ये गड़बड़ी करना मतलब कि इसका मतलब है पढ़ाई नहीं चल रही, सीधी सी बात। बताइए बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, मतलब नहीं आ रहा दिमाग में। अरे यार आदित्य कोशिश करो भैया, शांति छा गई एकदम। बताइए तो ये बताओ कि अगर के सीएल के साथ जाएगा फॉर्मूला बनाने तो फॉर्मूला क्या बनेगा? KCl बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। KCl2 तो फॉर्मूला ही नहीं होगा, KCl2 करके तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, बात नहीं समझ में आई? KCl2 फॉर्मूला ही नहीं बनेगा ना, तो है फॉर्मूला ही गलत है तो बनेगा क्या? KCl2 है हो ही नहीं सकता कुछ, बताओ लक्ष्य। सर बोलो बोलो सर, तो ये आई के ऊपर टू क्यों आया फिर? आई अकेला है ना, आई और आई ये दोनों मिलके आई। हाँ रिएक्टेंट साइड
रिएक्टेंट साइड हाँ सर सीएल टू है तो सीएल सीएल के साथ है सीएल एक को एक चाहिए इधर सीएल को एक चाहिए तो इसलिए सीएल ने बॉन्डिंग किया सीएल टू बनाया यहाँ पे अलग बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे अलग बॉन्डिंग हो रही बॉन्डिंग पढ़ाएंगे अभी हम यहाँ पे अलग बॉन्डिंग हो रही यहाँ पे अलग बॉन्डिंग हो रही बात समझ में आ रही yes, sir. तो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर होगा पढ़ना होगा परेशान ना हो ठीक है लेकिन ये चीज समझो यहाँ पे कि फॉर्मूला ही नहीं बन सकता जब वैलेंसी पोटेशियम की वन होती क्लोरीन की वन होती तो ये दोनों मिलकर केसीएल ही तो बनाएंगे ये दोनों मिलकर केसीएल ही बना सकते केसीएल एनएसीएल टू हो सकता है क्या नहीं हो सकता है यार एनए टू सीएल हो सकता है क्या कोई नहीं बना सकता हो ही नहीं सकता है हो ही नहीं सकता है नो सर होता क्या है एनएसीएल ही होता है यही होता है तो सर ये सीएल का टू हट जाएगा बैलेंस करना होगा बेटा रिएक्शन को बैलेंस करना होगा नहीं समझ में आया अभी ये बैलेंस कर दोगे सीएल यहाँ पे टू लगा दो यहाँ पे टू लगा दो हो गई बैलेंस खत्म ये तो बनना ही नहीं है बताओ अरे बोलो आना यस सर थोड़ा दिमाग लगाओ फॉर्मूला गलत नहीं करना है हमको फॉर्मूला गलत नहीं करना है भाई फॉर्मूला थोड़ी नहीं चक्कर में गलत कर देंगे हम हैं नहीं अगर हो रहा है तो फॉर्मूला फिर याद करो ये तो समझने वाली चीज है समझ गए हो तो ये गलती ना करो अब ये तो सरासर गलत बात है कि ये गलती अगर आपसे हो रही है तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये सब हटा देते हैं हम लोग ये चीजें इसलिए हमने सीखा है फॉर्मूला बनाना बेटा कि ये गलती ना हो आप लोगों से ठीक है तो यहाँ पे बनेगा यही यहाँ पे बनेगा क्या हमारा KCl बनेगा ठीक है क्या हुआ ये Cl ने क्या किया I को डिस्प्लेस क्योंकि Cl की रिएक्टिविटी ज्यादा है I से ठीक है बताओ भाई कृष्णा सही है यस सर चलो फिर आगे बढ़े डिस्प्लेसमेंट हो गई है यस सर इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है आगे करते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट आगे हम लोग करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ठीक है दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज chemical change in which two compounds in a solution react to form react to form two new compounds by mutual exchange
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस और रेडिकल्स। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब? अरे यार मेरे पास आप लोगों ने क्या किए, एक आदित्य ने टिफिन लेके गए स्कूल में अपना टिफिन बॉक्स, और लक्ष्य ने टिफिन बॉक्स लेके गए, ठीक है। लक्ष्य के टिफिन बॉक्स में क्या बना था? पराठा सब्जी, पराठा और सब्जी, ठीक है। और इनके लंच बॉक्स में था पूड़ी सब्जी, इसमें सब्जी नहीं पूड़ी छोला, छोला था, ठीक है, छोला था इसमें सब्जी थी, ठीक है भाई, ठीक है लक्ष्य और ठीक है आदित्य। तो आप लोगों ने टिफिन बॉक्स जब लंच हुआ तो आप लोगों ने क्या किया कि इनने कहा कि भाई साहब एक काम करो, ये लक्ष्य है ये आदित्य हैं। लक्ष्य ने बोला कि भैया एक काम करो, मेरी सब्जी तुम ले लो और मेरा छोला मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। लक्ष्य ने बोला कि मेरी तुम सब्जी ले लो, मैं तुम्हारा छोला खा लूंगा, तो ये एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज। बात समझ में आया? यस सर। हर्ष प्रताप सिंह, ठीक है। यस सर। हाँ तो लक्ष्य। यस सर। कृष्णा, ठीक है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज समझ में आ गया, बहुत करते होगे स्कूल में, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज पूरी पराठे का नहीं होना है, यहाँ पे आयंस का होना है, रेडिकल्स का होना है। किसका? आयंस और रेडिकल्स। रेडिकल्स, ठीक है। मान लिया कि, मान लो रिएक्शन हो रहा है ए बी का किसके साथ, सी डी के साथ, तो होगा क्या, होगा क्या कि अब ये इसके डी के साथ निकल लेगा और ये बी इसके सी के साथ। आर यू गेटिंग? अब ए बी के साथ नहीं, अब ए और डी का रिएक्शन हो गया और बी और सी का, तो ए डी बन गया और बी सी बन गया, बी या सी भी बना लो या बी सी, बात समझ में आ गई। तो इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया आयंस का। क्या हो गया? सी भी तो बन सकता सर। हैं? ए सी और बी डी। ए डी के साथ जाएगा, क्यों जरा समझो, क्यों, हम लोग सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सॉल्ट में होता क्या है, एक ये सॉल्ट होगा वन, ये सॉल्ट होगा टू, और ये बनाएगा तीसरा सॉल्ट थ्री, और एक और सॉल्ट बनेगा फोर। सॉल्ट कैसे बनता है भाई? सॉल्ट बनता है किसी का सल्फेट हो, किसी का नाइट्रेट हो, किसी का मेटल का, किसी मेटल का सल्फेट, किसी मेटल का नाइट्रेट, कॉपी में लिख लो, किसी मेटल का। अभी सॉल्ट तो अभी इससे आगे नहीं है, इसमें नहीं है, आप लोग को टेंथ क्लास में पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट कभी भी कोई एसिड किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है, नमक, नमक सॉल्ट मतलब नमक। सॉल्ट में होता है एक केटायन और एक एनायन, एक होगा केटायन और एक होगा एनायन, मतलब रेडिकल, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल। तो मान लिया कि पॉजिटिव रेडिकल हमारा है, यहाँ पे सॉल्ट वन वन में, सॉल्ट वन में है, मान लो सपोज दैट हमने केटायन को सी से लिख रहे हैं, केटायन को सी से और एनायन को ए से, जरा समझना। तो इस सॉल्ट में भी एनायन केटायन होंगे कि नहीं होंगे? Yes, लिख लो कॉपी में। yes, अगर नहीं पता है तो सॉल्ट में एनायन होते हैं और केटायन होते हैं। सॉल्ट जो होता है एनायन का मिक्सचर होता है और केटायन का मिक्सचर होता है। सॉल्ट में एनायन और केटायन का मिक्सचर होता है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, नेगेटिव का। तो ए वन सी वन के साथ है, ठीक है, एनायन वन और केटायन वन, ठीक है, या ऐसे कर लो केटायन वन एनायन वन, रिएक्ट हुआ केटायन टू एनायन टू, हुआ यूं कि ये वाला जो केटायन है जो एनायन वन के साथ, अब इसने अपना एनायन चेंज कर दिया तो क्या बना देगा,
अपना एनायन एक्सचेंज कर लिए इन लोग, क्या हो जाएगा? C1A2. वेरी गुड. C1A2 प्लस C2A1. यही हो रहा है बेटा, यही हो रहा है. हमने केवल पूरी सब्जी चेन एक्सचेंज की थी ना, हमने ये नहीं बोला था ना कि पूरा टिफिन बॉक्स एक्सचेंज कर लो. नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया. पूरी और पराठा तो वही था, लेकिन केवल सब्जी एक्सचेंज की, तो यहाँ पे हम केवल केटायन या एनायन कोई में से एक एक्सचेंज करोगे केवल. बात समझ में आई? यस सर. यस सर. तो हमने एनायन को एक्सचेंज कर लिया, एनायन का म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया तो बन गया ये एक और. अब भैया भले केटायन एनायन, अभी भी तो केटायन एनायन ही है, तभी तो सॉल्ट है ये. बात समझ में आई? भले वो एनायन नहीं है लेकिन दूसरा है, लेकिन फिर भी सॉल्ट ही तो बनेगा. आर यू गेटिंग एवरीवन? प्लीज टेल मी. यस सर. तो ये है हमारा कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इज इट ओके टू एवरीवन? चलो. यस सर. डबल डिस्प्लेसमेंट में दो तरह की रिएक्शन. एग्जांपल? हाँ हाँ बता रहे. कोई नहीं यार, बहुत सारे हैं. अब क्या है कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है ये दो तरह की होती है. कितने तरह की? टू. दो. डबल डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ टू टाइप. डबल डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ बेसिकली टू टाइप. दो तरह की होंगी डबल डिस्प्लेसमेंट में. ठीक है भाई. पहला कौन सा होता है? यहाँ पे पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्या कर रहा है, कौन है? इसमें होता है पहला प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से. क्या होगा प्रेसिपिटेशन में? क्या होगा प्रेसिपिटेशन में? जैसे सॉल्ट वन था, रिएक्ट हुआ था सॉल्ट टू के साथ. अब ये दोनों सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है पानी में, तो हम लोग इसको एक्वस लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? एक्वस. जो भी सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो सकता है, बहुत ध्यान से लिख लो कॉपी में अगर लिखना है तो. जो भी चीज सॉल्ट क्या, जो भी चीज पानी में अगर डिजोल्व हो सकती है तो उसको हम एक्वस कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्वस. एक्वस. दो तरह के सॉल्यूशन मैंने बताया था, एक्वस और मोल्टेन. बताया था कि नहीं बताया था? यस सर. तो एक्वस होता है जिसमें क्या होगा, पानी के साथ मिल गया, वो पानी में जो भी है वो डिजोल्व हो गया. तो पानी में डिजोल्व होगा तो वो बनेगा क्या, एक्वस. तो ये सॉल्ट भी एक्वस है, ये सॉल्ट भी एक्वस है. अब ये दोनों रिएक्ट हुए और एक तीसरा सॉल्ट बनाए, सॉल्ट थ्री, और एक और बनता है सॉल्ट फोर. अब इसमें से एक सॉल्ट जो होता है इन लोग इनसॉल्युबल बना देते हैं. ये मान लो इनसॉल्युबल है. क्या है ये? पानी में सॉल्युबल है? नहीं है. ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन वाटर. तो इसको हम लोग इनसॉल्युबल, या इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. क्या कहते हैं? जो चीज पानी में नीचे जाके बैठ जाती है, प्रेसिपिटेट. जो चीज लिख लो इसको अगर कॉपी में लिखना है तो, ये चीज डिजोल्व नहीं होती है, ये नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगी. आप मान लो एक बोतल ग्लास ले लिए, ग्लास में आप बालू डाल दो पानी में, तो बालू क्या करता है, या पत्थर डाल दो, पत्थर नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा. तो वो प्रेसिपिटेट है. क्या है? प्रेसिपिटेट इज समथिंग विच डज नॉट डिजोल्व इन वॉटर. बेसिकली ये सॉलिड में होंगे. किसमें होंगे? सॉलिड. ठीक है, किसमें होंगे?
वाटर क्या हो रहा है आदित्य, आवाज ऐसी क्यों आ रही है? हम्म, कार्टून जैसी आ रही है। तो प्रेसिपिटेट बन गया और एक और सॉल्ट बना, ये फिर से क्या हो जाएगा? एक्वस बना नहीं। तर वॉइस चेंजर यूज कर रही है, वॉइस चेंजर यूज कर रहा है। क्या है आदित्य? मतलब शरारत कर रहे हो तो बताओ, हम बाहर निकाल दे फिर क्लास से। नहीं सर, सर वो होता है सर, मेरे भी होता है सर, ऐसे तो कभी कभी होता है। एक लैंग्वेज सही है कि एक ही आप तो दो तीन 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 चार चार ऐसे ला रहे। चलो कोई बात नहीं। तो ये फिर से एक एक्वस, तो ये रिएक्शन होगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन समझा दीजिए। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि वो जो एक सॉल्ट बनेगा रिएक्टिव प्रोडक्ट के साइड में, वो एक उसमें से एक इनसॉल्युबल होगा पानी में। क्या होगा? एक इनसॉल्युबल होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो नीचे जाके इकट्ठा हो जाए। बात समझ में आ रही? ये दिखेगा जब भी रिएक्शन करोगे। तो हमें कल एक चीज बता देंगे कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं और कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल, आप देख के बता दोगे। बात समझ में आ रही है? बहुत काम की चीज है वो। तो आज तो नहीं, कल हम बता देंगे उसको कि आप देख के बता देंगे। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी उसमें, लेकिन आप देख के बता सकते हैं कि सर ये वाला सॉल्ट आ गया तो हमारा सॉल्युबल होगा, ये वाला सॉल्ट हो गया तो इनसॉल्युबल होगा। आर यू गेटिंग? इसमें मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। सपोज AgNO3 रिएक्ट हो रहा है, AgNO3 रिएक्ट हो रहा है NaCl के साथ। ये दोनों सॉल्युबल हैं, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है। इसको दोनों को जब मिलाया हमने तो भैया क्या होगा जरा बनाइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? कृष्णा आप बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा प्लीज जल्दी। Krishna, tell me the product. What will form? चल हो गया। Product बनाइए भाई। Krishna, देखो ना बहुत आसान है भाई। हैं? नहीं आ रहा Krishna? Sir, AgNaCl. नीचे ही तो गड़बड़ है। बाकी आदित्य तुम बताइयो। आदित्य समय नहीं, रुक जाओ। कौन सा बताओ? कौन सा बताइए क्या बनेगा? यस सर बता। बोर्ड पे देखो ना, रिएक्शन देख के बोलो ऐसे क्या बनाना है। हम तो अभी बताएं, पूरा समझाएं क्या होगा। रुक जाओ। लक्ष्य, हर्ष प्रताप सिंह आप बता सकते हैं क्या? सर AgCl और NO, AgCl Cl और प्लस NO3 NaNO3। वेरी गुड, यही मैं बोलने वाला था। देखो भैया, जिसको नहीं आया है प्लीज, यही था लक्ष्य तुम्हारा भी? यस सर। जरा देखो, जिसको नहीं आया जरा समझिए मैंने क्या बताया था। ये इसका क्या है मेटल? ये है केटाइन बनाता है, ये C1 है, ये A1 है, ये C2 है, ये A2 है। भैया क्या हुआ, सब्जी एक्सचेंज कर नहीं पाए? सब्जी एक्सचेंज करने में इतनी दिक्कत हुई? ये A1, अब ये C1 जो हो जाएगा A2 को ले लेगा, और ये जो C2 है ये A1 को। तो बस AgCl और NaNO3। यहाँ पे जो सॉल्युबल नहीं होता ये भी सॉल्युबल है भैया, ये भी एक्वस है, और ये होता है प्रेसिपिटेट। ये होता है, इसको प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। किससे?
डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं प्रेसिपिटेट को, और इसको पीटीपीटी भी लिख देते हैं, पीपीटी, दिस इज द प्रेसिपिटेट। ये डिजॉल्व नहीं होगा नीचे जाके कंटेनर में, जैसे ही आपने कंटेनर लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला सिल्वर नाइट्रेट और डाल दिया NaCl, मिक्स कर दिया, तो आप देखोगे कि नीचे व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड बैठ गया। बात समझ में आया? तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है? एक जो दूसरी की जगह ले रहा है, दूसरा जो जगह जो हट रहा है वो उसी की जगह जाके ले ले रहा है। बात समझ में आई? मतलब यहाँ से एनायन हटा और इस एनायन ने इस एनायन की जगह ली, और ये एनायन ने उसी एनायन की जाके जगह ले ली। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार एक गया दूसरे की जगह पे और दूसरा फिर आ गया पहले की जगह पे, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई बताइए, बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? नहीं आ गया। अरे किसे नहीं आया जल्दी बताइए, जिसे नहीं आया प्लीज आस्क, प्लीज एनीवन एनी डाउट प्लीज आस्क। एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल कर लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लिया हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, क्या बनेगा भाई? बताइए कृष्णा, क्या बनेगा भाई? टेल मी कृष्णा, क्या बनना चाहिए? अभी वही जस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। सर सर BaSO, सर CaSO4, BaSO4 प्लस Cl, Cl नहीं बेटा, H है प्लस का, तो HCl, HCl 2 नहीं, HCl बनेगा, फिर बैलेंस कर लोगे। HCl का फॉर्मूला HCl2 थोड़ी होता है, फिर बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे 2 कर लोगे, तो 2 H इधर हो गया, 2 Cl हो गया, बैरियम एक था, SO4 के बैलेंस हो गई। यस यही आया मेरा भी। और इसके नीचे हम लोग प्रेसिपिटेट बना देते हैं, ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट, ये होता है हमारा प्रेसिपिटेट। बात समझ में आई भाई सबको? यस सर। तो फॉर्मूला बनाते समय ध्यान देना जरा, लेकिन बस HCl2 नहीं बनेगा, HCl बनता है बेटा। चलो आगे हम बढ़े, न्यूट्रलाइजेशन इसी में दूसरा वाला है, सेकंड टाइप जो था वो था न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में? दूसरे टाइप का रिएक्शन जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट में, दूसरे टाइप का, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करने की बात है। मतलब अगर हम प्लस के साथ माइनस को मिला दें तो वो क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है, जीरो, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है ना। यस सर। मैं न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि मैं किसी चीज को क्या करूं, बढ़ा रहा हूं, और कोई चीज उसी चीज को क्या कर दे, कम कर दे, तो वो नेट चेंज जीरो, तो न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन में द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस फॉर्म्स salt and water only। दुनिया का कोई भी एसिड दुनिया के किसी भी बेस के साथ रिएक्ट होगा, बहुत ध्यान से भाई लिख लो हिंदी में अगर लिखना है तो, दुनिया का कोई भी एसिड दुनिया के किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने ले लिया कोई एसिड, सपोज दैट HCl, सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
इसके साथ मैंने बेस ले लिया NaOH, हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है NaOH, इसमें भी क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, जरा करो जरा मेरे को बताइयो, वंशाहु क्या बनेगा, वंशाहु क्या बनेगा बताइयो जरा। अरे बेटा आप तो कर लोगे हमको पता है, वंशाहु भैया बोल रही है, वंशाहु जल्दी वंशाहु जल्दी, अरे वंश अरे इधर देखना, HCl प्लस, ये एसिड है, ये बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, बस तू वही कर दे, बस तू डबल डिस्प्लेसमेंट कर दे, बस तू बस डबल डिस्प्लेसमेंट कर दे भाई बस। अरे यार क्या कर रहा है अभी तक समझ में नहीं आया, इसका H जाएगा इसके OH के साथ और इसका N जाएगा इसके Cl के साथ, क्या बन जाएगा, क्या करते हो यार वंश, क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना आसान है, है? क्या बन जाएगा भाई NaCl प्लस H2O, HO कहां से हैं, वाटर है H2O और ये सॉल्ट है, बात yes, समझ में आई सबको, यस सर, चलो फिर ठीक है कल मिलते हैं, इसको अच्छे से कर लेना, कल मिलते हैं फिर से और हम कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट बची वो करेंगे, ठीक है, ओके थैंक यू सर, थैंक यू।